नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड पर स्थित एक गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची फायर वर्क की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस पूरी घटना पर मुख्य अग्निशामक अधिकारी मनु शर्मा ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। थाना कोतवाली क्षेत्र के आगरा बाईपास रोड पर बीती रात प्रवीण कुमार के सुपर सेल्स के नाम से बनी गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। घटना मध्यरात की बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर फायर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर बाकी टीम पहुंची, जिसमें 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में रखे लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया और बड़े स्तर का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी।